हमें एक झील दिखाई दे रही है बादलों के बीच में से। बादल कैमरे को देखने नहीं दे रहे, फिर भी हल्का सा आवाज झील का मिल रहा है। जय हो। स्पष्ट नजर नहीं आ रही थी झील, ये झील के नजदीक हम आ गए हैं और झील के किनारे ही हम जाएंगे। वहाँ पहुँचे सी पवित्र झील, झील के लगभग नज़दीक हम आए। ऐसी ही झीलें गंगा जैसी धाराओं की उद्गम होती है और इन पावन झीलों का महत्व बहुत से कम नहीं। जय हो। प्रणाम करें। बड़ा पावन दृश्य, ऐसा शुद्ध पानी जल राशि, वो बहु प्रतीक्षित क्षण पहुंच चुका है और हमें वासुकी ताल के दर्शन हो चुके हैं। ये वासुकी ताल वर्षों से जिसके लिए साध थी कि भोलेनाथ कभी दर्शन दें, भोलेनाथ की कृपा से हमें सुलभ हुआ। बादलों में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, निकट जाकर ये फिर भाग्य आज उदित हुए, जन्म जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे कि आज हमें वासुकी भगवान के दर्शन हुए। ये वासुकी ताल हमारे सहयाती संत महानुभाव स्नान की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा भव्य रमणीक देवीय वातावरण चारों तरफ, किंतु बादलों के कारण कुछ भी स्पष्ट। बड़ा भव्य दिव्य वातावरण चारों तरफ का, भोलेनाथ की कृपा से हमें भी ये सौभाग्य मिला। महात्मा जी जा रहे हैं स्नान के लिए। जय जय सरयू महारानी की जय। पति सब लोग स्नान कर रहे हैं, आइए अपन भी आचमन और मंत्र स्नान तो कर ही लें। आइए। जय हो वासुकी भगवान, बड़ी कृपा रही कि आपके दर्शन हुए। भैरव नाथ और केदारनाथ जी को भी बार बार धन्यवाद। 65 साल की आयु के वृद्ध बुजुर्ग हमारे साथ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना परिचय दें। हाँ दीजिए अपना परिचय। हमारा परिचय उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले में काशी के समीप और जौनपुर जिला सागन तहसील पोराई खुर्द हरिलाल, यही हमारा परिचय है। और 65 साल की उम्र में यहाँ वासुकी भगवान में आकर के इन्होंने ब्रह्म कमल लिए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। आइए भोलेनाथ के अर्पण के लिए ब्रह्म कमल हम भी। ब्रह्म कमल है, बड़ा आनंददायक दृश्य है, लेकिन बादल उस प्रकृति को कैद नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन हम खुली आंखों से देख पा रहे हैं कि वास्तव में अप्रतिम अलौकिक ऐसा दृश्य न कभी देखा न सुना। ग्लेशियर और ये केदारनाथ की प्रतिकृति, ये शिखर जो बादलों में घिस गए, पर हेमकुंड साहिब में जो झील है उसी प्रकार की झील यहाँ हमें दृष्टिगत हो रही है।
देखा जा सकता है कितना स्वच्छ पानी है। और हमारे 65 वर्षीय बुजुर्ग, क्या शुभ नाम है आपका? हरिलाल। हरिलाल जी बड़े विष्णु भक्त हैं, हरि भक्त हैं। देखिए इस झील के बीच में खड़े हुए, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर ऐसी झील। सुखताल से ऊपर हमें फिर लौटते समय मिली और इस प्रकार से भोलेनाथ की कृपा से हम वापस लौट चुके हैं। 1 किलोमीटर वापस भी आ चुके हैं और उजाले उजाले में सुरक्षित पहुंच जाए। इसकी ये भयानक चढ़ाई, हृदय हिला देने वाली, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से गुजरते हुए हम लौटते समय की चढ़ाई को पूरा कर चुके हैं। अब कुछ उतार, फिर कुछ चढ़ाओ और उसके बाद उतार प्रारंभ होगा। देखिए किस तरह की चढ़ाई चढ़ करके और सहयात्री आ रहे हैं। गुजरते हुए हम आ रहे हैं नीचे खाई में, ग्लेशियर पड़े हुए हैं धुंध के कारण। हमें तो स्पष्ट दिख रहे हैं लेकिन कैमरा स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा। ये और कल्पनातीत गहराई है इस खाई की और रास्ता इस तरह का है जहाँ हर कदम रखने के लिए स्थान ढूंढा जाए। इस तरह के भयावह रास्ते से भोलेनाथ की कृपा से हम गुजर रहे हैं। लौटते समय हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं, कुछ उतराई उतरनी है। अब नाथ और केदारनाथ की यात्राएं हुआ करती थी तो इसी तरह की पगडंडियों से हुआ करती होगी। मुखराम पगध्यान वाली जो बात, मुश्किल से 1.5 फीट की पगडंडी और उसके नीचे इधर घरी खाई और इधर कल्पनातीत वासुकी ताल की यात्रा संपन्न हुई। और अब जो भी हमारे सह यात्री रहे संत भगवान, उन सभी को निवेदन है कि अपना जैसा भी परिचय है दें। आप अपना परिचय दें, बोल के कहना पड़ेगा। हाँ, उड़ीसा सुवर्णपुर जिला पाईभाल सीताराम मठ गुरु आस्थान। जय सूर्य नारायण गिरी जुना अखाड़ा उत्तरकाशी निवास राधा कृष्ण मंदिर उत्तरकाशी में। हाँ। धन्यवाद। हाँ महात्मा जी, दास जी है गुरु स्थान अयोध्या, कृपा पात्र साकेत वासी अनंत तो सिंह दोनों दे दिया तो पंच रसाचार श्रीमद स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज हर्षापुर अयोध्या। अच्छा। और फोन नंबर हमारा प्राप्त होगा 84-50-58-57-00 से श्रीधर दास जी के नाम से मांगने। अरे फिर दोनों हाथ में दस चित्रकूट निवासी बिल्कुल नाग के आकार की। जय हो। यही ये झील इस तरह का रास्ता
मंदिर की विशेष छटा है, इतनी सजावट आज इस कारण से हो रही है कि आज ये भतूज महोत्सव जो यहाँ का स्थानीय उत्सव है, चौदस चतुर्दशी और पूर्णिमा के बीच की रात को ये वर्ष में एक बार उत्सव होता है। चतुर्दशी और पूर्णमासी की रात को ये स्थानीय अवसर नया धान आता है, उसका सबसे पहले भोलेनाथ को अर्पित करके, ताकि भगवान नीलकंठ हैं और उसके विष को ग्रहण कर लें, इस हिसाब से ये उत्सव। उत्सव में जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के स्थानीय पुरोहित श्री शिव प्रसाद जी शुक्ला से जानकारी लें कि हमें इस उत्सव के विषय में बताएं। शिव प्रसाद जी शुक्ला। ओम नमः शिवाय। उत्कंठे च विराजते ही गलम शीर्षे च मंदाकिनी वामंगे गिरिराज राजस्तनिया जाया भवान स्थिता मंदस्कंद गणाधिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदार रंचल संतोष सदम पूजा सदा मंगला मंगलम भगवान शंभु मंगलम सुभद्र मंगलम पार्वतीनाथ सर्व मंगल मंगला। इष्ट देव भगवान भूकुंड भैरव सिद्ध विनायक श्री गणेश माँ पार्वती एवं भगवान भूकुंड भैरव भगवान के दर्शन को नमन करते हुए मैं इस भतूज अन्नकूट महोत्सव के पावन पर्व पर सादर कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन भगवान के श्री चरण में करता हूँ, कि जिन्होंने भक्त के श्री चरण में बार बार नमन करता हूँ। देखिए ये जो अन्नकूट महोत्सव है, ये इसके विषय में ऐसी मान्यता है, हमारे शास्त्र पुराण ऐसा कहते हैं कि इधर जो नया अनाज जो उत्पन्न होता है उसी के विषय में भगवान कहते हैं कि नए अनाज में कहीं भी किसी चीज़ में कहाँ भी हो तो उसमें कोई पॉइजन सा होता है, तो कहते हैं कि इस रूप में भगवान जो है उसके पॉइजन को अपने आप में समाहित कर लेते हैं, उसको हरण कर लेते हैं, ताकि प्राणी, क्योंकि भगवान आशुतोष है ही जो है, मतलब कल्याणकारी, शिव का नाम ही कल्याणकारी है, नीलकंठ है, नीलकंठ चंद्रशेखर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन भगवान केदारेश्वरा। मैं भगवान केदारेश्वर से यही विनती करता हूँ कि समस्त जनमानों की मनोकामना पूरी करें और दिनेश कोमल भट्ट जिस मनोकामना से यहाँ पर आए हों उनकी मनोकामना पूरी करें। भगवान किसी चरण मेरा कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि बोल केदारेश्वर भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। भोलेनाथ का ये स्थानीय उत्सव को पकाए हुए चावलों से इस प्रकार से सजाया गया कि भोलेनाथ एक शंकु आकार में परिणित हुए और भक्तों के 2 बजे से 4 बजे तक बड़े शुभ दर्शन हुए। शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती मंगलम पार्वती मंगलमयस्तनोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम विषभ
वृषभ ध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ ध्वज मंगलम पार्वती कांत मंगलम पार्वती कांत मंगलाय धरोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ ध्वज तालियां बजा सकते हैं जो बजाएगा ताली उसकी रोज होगी दिवाली हे मंगलम पार्वती मंगलम पार्वती मंगलाय सरोहर मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ कमलेश्वर सरसो जाते मानसाख्यामुनीश्वरा पद्वा के वासनमूत न जाल हरी स्वयं मानसरोवर में उसने कहा कि केदार में जाने पर चातुर्मास करिए तो हम भगवान केदार के चरणों में आए शिव पूजन करने लगे काफी समय हुआ किंतु शिव जी प्रसन्न न हुए फिर विस्मित हुए दादा तुम विस्मितो ब्रह्मा दादा तुम विस्मितो पत्या परमयासु विष्णु विष्णु पत्या परमयात सहस्रेण नाम प्रीत्या सहस्रेण नाम प्रीत्या पुष्टव परमेश्वर मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ ध्वज मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभ रास्ता नजर नहीं आ रहा है और रास्ता है वो पहाड़ के पास जाकर के जिस पर कुछ संत महात्मा भी जाते हुए नजर आ रहे हैं लगता है भोलेनाथ की अब साधु लोग तो आ गए और वो पीछे छूट गया बिल्कुल आपको रास्ता भटक गया और फिर वो तो बाघ से उसका फोन लग गया कि कुछ पुलिस ने पहले रविवार को ढूंढा साथ में भटक गए तो साथ में और जाएंगे चलो चलो जय भोले की ठीक है जय कामता नाथ चित्रकूट से आए महाराज और आप हैं आपका शुभ नाम लखनदास जी और ऐसे ही बहुत से संत वासुकी ताल के मार्ग पर आपका शुभ नाम श्रीधर दास जी और बहुत से संत आगे और पीछे चल रहे हैं हरये नमः रुद्राय नमः ईशानाय नमः रुद्राय नमः भवाय नमः खगाय नमः गगनाय नमः सहस्रनाम